बाबा साहब के संविधान को जो इन्होंने तार तार करा पूरे चुनाव में, जिला पंचायत में बदायूं छोड़कर, बदायूं ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। तो बाबा साहब से यहाँ सब सदस्य मिलकर आशीर्वाद लेकर अपनी नई पारी की शुरुआत करने आए हैं। और आपने देखा ही चुनाव में इनकी गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन का नंगा नाच जो इन्होंने दिखाया वो आप सब लोगों को पता है, आप पर भी चुनाव में बीती है, चुनाव के अंदर आप पर भी कहीं ना कहीं लाठियाँ और लड़ाइयाँ हुई हैं आपसे। नहीं, जिस तरीके से शपथ का कार्यक्रम एक निजी कार्यक्रम था उस पर आपकी क्या बोल? शपथ का कार्यक्रम वो भाजपा का कार्यक्रम है और हम भाजपा के कार्यक्रम में किसी भी सदस्य को जो भाजपा से नहीं जुड़ा है तो उसको जाने का कोई वहाँ पर राइट नहीं बनता। इनको सदस्य कायदे में सरकारी संस्थान में करानी चाहिए थी, सरकारी संस्थानों की बधाइयों में कोई कमी नहीं थी। शपथ ग्रहण एक सरकारी कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम को संस्थानों में इनको कराना चाहिए था, इसकी आपत्ति सारे सदस्यों ने दर्ज कराई और वो सदस्य सारे अब अपना शपथ ग्रहण समारोह सरकारी संस्थान में ही करेंगे। डीएम को तो परमिशन ही नहीं देना चाहिए था, वो परमिशन दे दी सरकार के दबाव में। डीएम को तो परमिशन ये भी नहीं देना चाहिए था, हेल्पर भी नहीं बनाने चाहिए थे। डीएम को तो ये भी परमिशन नहीं देना चाहिए था कि उन्होंने जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन सुबह हेल्पर बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव हमने हरा दिया था, हरा इसलिए भी दिया कि आपको ये पता होगा कि उन्होंने जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं उन्हें उनके अपने भाई पर हेल्पर बनवाना पड़ा, जिस भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्री पर भरोसा नहीं है, जिस भारतीय जनता पार्टी को ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है उसकी पत्नी पर हेल्पर बनना है, तो आप समझ लीजिए उनकी स्थिति क्या होगी। हिमांशु यादव का भी हेल्पर था? नहीं, सारे हेल्पर थे, 13-14 हेल्पर उन लोगों ने बनाए। एक सवाल और है आपसे, जिस तरीके से आज उनका शपथ ग्रहण समारोह प्राइवेट तरीके से हुआ, प्राइवेट लॉन में हुआ, उसमें क्या बोलते हैं आगे चल के कुछ मीटिंग्स भी, जब तमाम बोर्ड की मीटिंग्स भी होती हैं, क्या आपको अंदेशा है कि आगे चल के वो प्राइवेट कार्य वही होंगे? इसीलिए हमने विरोध करा कि आज उन्होंने कृष्णा लॉन करा है, कल वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय चुनते, हमने इसलिए विरोध करा कि आगे ऐसी हरकत ना हो। वो कोई भी अगर प्रोग्राम हो जो सदस्यों द्वारा या जिला पंचायत के द्वारा होना है वो सरकारी संस्थान में हो, और उसी की इसीलिए विरोध के कारण हम लोग वहाँ पर नहीं गए।